हेलो व्यूअर्स, मैं वासु स्वागत करता हूँ आप सभी का आज क्लास 11 इंग्लिश के पहले आर्टिकल द एलिंग्स प्लैनेट के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से फुल मार्क्स लाने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। और हाँ, इस चैप्टर की ई बुक, रिविजन समरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर। नहीं ये आर्टिकल आज से 27 साल पहले द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था, जब आपके पापा आपकी मम्मी को गुलाब देकर प्रपोज कर रहे थे। खैर, इस आर्टिकल में हम एक ऐसे मोमेंट के बारे में जानेंगे जो 1972 से आज तक लगातार चले आ रहा है। ये कोई और नहीं, ग्रीन मोमेंट है। ये मोमेंट इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा मोमेंट है जो किसी स्पेसिफिक रिलीजन या किसी स्पेसिफिक रंग रूप के लोगों के द्वारा नहीं था। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें पूरी दुनिया एक साथ अपना योगदान दे रही थी, सिवाय आपके पापा के, क्योंकि वो तो गुलाब तोड़ के डिफॉरेस्टेशन कर दिए ना। खैर, ये मोमेंट आज से लगभग 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब न्यूजीलैंड में सबसे पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और तब से आज तक इस मोमेंट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पर हाँ, इस मोमेंट ने हमारे एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया जरूर बदल दिया। अब हम एनवायरनमेंट को केवल अपनी जरूरत पूरा करने वाली मशीन की तरह नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी एक लिविंग बीइंग की तरह प्रेडिक्ट करते हैं। और अब हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट की भी कुछ जरूरतें हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। आपको पता है, इस ग्रीन मोमेंट ने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज लाया जिसने हमारे एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये दूसरी बात था जब लोगों को नेचर के सामने उनकी औकात पता चली। पहले लोग सोचते थे कि सन अर्थ का चक्कर काटता है, पर कॉर्पोनिकस की कॉर्पस्कुलर थियरी के बाद लोगों को पहली बार पता चला कि यूनिवर्स हमारे लिए नहीं, बल्कि हम यूनिवर्स के लिए बने हैं। और हम इस दुनिया के ऑनर्स नहीं, बल्कि इस दुनिया के ट्रस्टीज हैं, जिन्होंने आने वाली जनरेशन से इस अर्थ को लोन में लिया है, और हमारा कर्तव्य है कि हम इस अर्थ को उन्हें और अच्छे हालत में वापस करें। आपको पता है, 1987 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमीशन के द्वारा पब्लिश रिपोर्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जो कहता है हमें अपना डेवलपमेंट अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर लें कि हमारे बच्चों के बेसिक सर्वाइवल के लिए भी रिसोर्सेज ना बचें। आपको पता है, लास्किया जोम्बिया के जू में एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक दिखने वाली केव है, जिसके सामने एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा है, सावधान, अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। जैसे ही आप केव के अंदर जाओगे, वहां आपको कोई जानवर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा मिरर दिखेगा, जिसमें आप इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को एकदम साफ साफ देख सकते हो। मैं लास्किया जोम्बिया के जू जैसी एजेंसीज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ह्यूमंस को अर्थ के खराब होती हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पता नहीं मैं इस बात के लिए खुश हूँ या उदास, लोगों को देर से ही सही लेकिन समझ में आ गया कि हम अर्थ के साथ डोमिनेशन सिस्टम में काम नहीं कर सकते, जिसमें हम ओनर्स हों और इस दुनिया के सारे जानवर हमारे एम्प्लॉय। हमें इस अर्थ के साथ पार्टनरशिप में काम करना होगा, जहां अर्थ के सारे क्रिएचर इक्वल पार्टनरशिप में हों और उनकी इक्वल रेप्यूटेशन हो। मैं एक बार इंडिपेंडेंट ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। ये कमीशन इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च करती है। इनकी सबसे पहली रिपोर्ट पढ़ने से ऐसा फील आ रहा था मानो ये हमसे पूछ रही हो, क्या आप अपने बच्चों के लिए डेजर्ट छोड़ के जाना चाहते हो, जहां नदियां नालों में बदल चुकी हों, खेत खलियान बंजर जमीनों में और हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन में। ऐसे ही मैं एक बार मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन की बुक पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम चार मेन बायोलॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम और मिनरल्स को छोड़ दें तो हमारे इंडस्ट्रीज के सारे रॉ मटेरियल फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड से ही आते हैं। पर अगर आप कभी घर के बाहर निकलो तो आपको पता चलेगा कि जिन्हें आप फॉरेस्ट कहते हो वहाँ ट्रीज ही नहीं है। जो पहले ग्रासलैंड थे वो आज बंजर जमीन बदल चुका है, और जहाँ पहले खेती होती थी वहाँ आज बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। आजकल प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए ओवरफिशिंग तो एकदम कॉमन हो गई है, और तो और बहुत सी पुअर कंट्रीज में जलाने के लिए फायरवुड खाने से भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, लगभग एक एकड़ फॉरेस्ट हर सेकंड। पर बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि गवर्नमेंट की ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, और सच तो ये है कि हम हर सेकंड लगभग 1.5 एकड़ फॉरेस्ट खोते जा रहे हैं। ईयर 2000 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसके मुताबिक फायर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अभी से 5 गुना ज्यादा ट्रीज प्लांट करना पड़ेगा। क्या आपको पता है, इंडिया में आर्टिकल 48 के तहत हर एक स्टेट को एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पर ये तो हम सबको पता है कि इंडिया में लॉज तो बना दिए जाते हैं, पर ना ही उन्हें कोई इम्प्लीमेंट करता है और ना ही कोई इम्प्लीमेंट करवाता है,
जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी और बाउंडेड लेबर के एबोलिशमेंट के लिए इंडिया में लॉस तो बहुत सारे बना दिए गए हैं, आजादी के 8 सालों बाद भी उन्हें फॉलो कोई नहीं करता। आपको पता है ईयर 2000 में इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंडिया में लगभग 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। कहीं इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपके मुंह से क्या तो नहीं निकल गया? वैसे आपको बता दूं, मैं मजाक कर रहा था। इस पूरी दुनिया में 40 से 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट हर साल काटे जाते हैं, तो बेशक इंडिया में 4 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट तो नहीं काटे जा रहे होंगे। इंडिया में 4 मिलियन ही, लगभग 32 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट हर साल काटे जा रहे हैं। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट कह रही है जो सैटेलाइट फोटोज की मदद से बनाई गई है। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है, वो तो सहारा डेजर्ट को भी अलास्का फॉरेस्ट कह सकती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस फॉरेस्ट के खत्म होने का कारण क्या है? हाँ, इसका आंसर तो अपन को पता है। इसका कारण और कोई नहीं, लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की वजह से बढ़ती डिमांड है। आज तो हम में से ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, पर आज से कुछ साल पहले स्थिति आज जैसी नहीं थी। पहले ना ही लोग एजुकेटेड थे और ना ही इतने समझदार। पहले लोगों को लगता था हम दो, हमारे 200 और 200 के 40,000, मतलब अपुन का पूरा फैमिली एक शहर बनाएगा रे बाबा। आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊं जिसे सुनने के बाद आपको इस दुनिया के लोगों की मानसिकता पता चलेगी? क्या को पता है, जब इस दुनिया में क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब से 1 बिलियन की पॉपुलेशन करने में ह्यूमंस को 1800 साल लग गए। पर 1800 के बाद लोगों को पता नहीं क्या ठरक चढ़ी कि दुनिया की पॉपुलेशन केवल अगले 100 सालों में 2 बिलियन पहुंच गई। और आज जब ईयर 2000 में मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन 5.7 बिलियन है और ये पॉपुलेशन हर 4 दिनों में 1 मिलियन बढ़ जाती है। और आज जब मैं वासु इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज मैंने गूगल सर्च में देखा कि इंडिया में हर सेकेंड एवरेज 50 बच्चों का जन्म होता है और आज इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में टॉप सेकंड पोजीशन पे है। आज हमारे देश के अकेले की पॉपुलेशन 1.34 बिलियन है। और आपको पता है इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? लगभग 8 बिलियन, मतलब इस दुनिया की 1/4 जनता तो केवल इंडिया की वजह से ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में हर साल आखिर ये 35 से 40 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट काटे क्यों जा रहे हैं। इस पॉपुलेशन का रीजन पता है क्या है? इस पॉपुलेशन का रीजन है कि लोगों को लगता है ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा लेबर मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि रिसोर्स भी तो लिमिटेड है ना, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। और आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम इस दुनिया में इस धरती की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आए हैं और हमें इस धरती का कर्ज चुकाना है इसे और खूबसूरत बना के। और हाँ, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको ये धरती आपके बाप दादा से वसीयत में नहीं मिली, ये तो आपने अपने आने वाले बच्चों से कर्ज में ली है। और आपको इस धरती को अपने आने वाले बच्चों के लिए और खूबसूरत बनाना है कि कम से कम उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ना घूमना पड़े। तो बस यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर। और हाँ सुलोचना शर्मा, सॉरी, मैं आपके कमेंट्स बहुत दिनों से देख रहा था, वीडियो बनाओ, पर क्या करूं, लॉकडाउन पे सब घर पे रहते हैं तो वीडियो शूट नहीं हो पाती। पर आज मैं रात के 1 बजे से अभी तक शूटिंग कर रहा हूँ, लगभग 3 बज चुके हैं। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बताने लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।